तो आप सब कुछ हुआ और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड जेडीयू में घमासान। पूर्व अध्यक्ष गौतम राणा ने समर्थकों के साथ छोड़ी पार्टी। चलिए देख लेते हैं उसको लेकर क्या खबर से यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड में यहाँ पर पार्टी के कद्दावर नेता गौतम सागर राणा ने आधा दर्जन अन्य नेताओं के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से यहां पर इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा था कि यहां पर पार्टी सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ यहां पर झारखंड में पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन धरातल पर उसका अमल नहीं होने की वजह से वह नाराज थे। गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में यहाँ पर उसके विषय में कैसा फैसला यहाँ पर लिया है। पुराने समाजवादी नेता रहे हैं गौतम राणा। गौरतलब है कि गौतम सागर राणा पुराने समाजवादी नेता रहे हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। झारखंड के हजारीबाग निवासी गौतम सागर राणा झारखंड राज्य गठन के दौरान जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रहे। वह सत्तारूढ़ राजग की यहाँ पर समन्वय समिति के संयोजक और यहाँ पर अध्यक्ष भी थे। लंबे समय तक यहाँ पर जदयू में रहने के बाद उन्होंने जदयू छोड़कर राजद ज्वाइन किया और उसके प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए। इस वजह से गौतम राणा ने छोड़ी है पार्टी। बाद में रजत में भी अभय कुमार सिंह की यहाँ पर अनुशासनहीनता के कारण इस मामले में उन्हें यहाँ पर रजत भी छोड़ना पड़ा। राजद छोड़ने के बाद वह दोबारा शरद यादव के कहने पर जदयू में लौटे, लेकिन नीतीश कुमार से संगठन को यहाँ पर झारखंड में आगे बढ़ाने को लेकर जो बातचीत हुई उस पर कोई अमल नहीं होने के कारण अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर जदयू छोड़ने पर वे मजबूर हो गए हैं। अब देखते हैं कि इससे यहाँ पर कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है या फिर ये चीजें अब जो हो चुकी है इससे यहाँ पर राजनीति में क्या नया मोड़ आने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। जोहार।